हेलो गाइस, वेलकम बैक टू त्रिदेव इन्वेस्टमेंट लैब। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ टाइटन कंपनी के शेयर के बारे में। तो गाइस, आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि ये शेयर जो है अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। अगर अप ट्रेंड में है तो कितने परसेंट तक का गेन किया है, और अगर डाउन ट्रेंड में है तो ये कितने परसेंट से डाउन में चल रहा है, और जब अगले दिन मार्केट ओपन होगा तो ये अप ट्रेंड बनाएगा या फिर डाउन ट्रेंड, ये सभी मैं आपको आज क्लियर करने वाला हूँ। तो इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर आप बिगिनर्स हैं और आप किसी भी शेयर को कंफर्म बाय नहीं कर पा रहे हैं तो गाइज आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं। चैनल पर आते ही चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा फ्रेंड्स। आप उसके बाद प्लेलिस्ट में आइएगा जरूर। प्लेलिस्ट में आते हैं फ्रेंड्स, आपको ये दो लिस्ट मिलेंगे। आपको ये ब्लू चिप्स स्टॉक्स को आपको मिलेंगे बाय ऑन डिप्स करने के लिए शेयर को, और ये स्विंग ट्रेड के लिए। तो अगर आप बाय ऑन डिप्स करना चाहते हैं किसी भी शेयर को, ब्लू चिप स्टॉक्स वाले शेयर को, तो फ्रेंड्स आप यहाँ से कन्फर्म कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए किसी भी शेयर को बाई करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप यहाँ से अपना शेयर को चूज कर कन्फर्म कर अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में मैंने क्या क्या डिस्कस किया है पहले मैं वो बता देता हूँ। तो इसके शेयर्स की जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस मैंने आपके साथ इस वीडियो में ये फोर पॉइंट डिस्कस किए हैं। आप नंबर फर्स्ट में देख सकते हैं इसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, कि अगर ये अप ट्रेंड बना रहा है तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो सकता है, और अगर फ्रेंड्स ये डाउन ट्रेंड बना रहा है तो इसका सपोर्ट क्या हो सकता है, वो कहाँ के बाद फिर वापस ये अपना रेसिस्टेंस की तरफ जा सकता है, बुलिश ट्रेंड बना सकता है। अगर सेकंड में मैं आपको बताने वाला हूँ इसका मूविंग एवरेज, फिर 20 डे का, 50 डे का और 100 डे का मूविंग एवरेज लगाकर मैं आपको कवर करूंगा कि ये जो है इसका जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मूविंग एवरेज के अनुसार क्या हो सकता है मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर थर्ड में फ्रेंड्स देखेंगे इसका RSI, और जो है RSI में बाई का सिग्नल दे रहा है फिर सेल का सिग्नल दे रहा है भी क्लियर करूंगा मैं। नंबर फोर में आप देख सकते हैं MACD, MACD में आपको लगाकर क्लियर करूंगा कि ये जो सिग्नल है हमें बाई का दे रहा है या फिर सेल का दे रहा है, या फिर ये जो ट्रेंड है हमें अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में, ये क्लियर करेगा। आप देख सकते हैं मैंने 1 डे के कैंडल के साथ टाइटन का चार्ट लगा रखा है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये जो लास्ट कैंडल है आज इसने बेयरिश कैंडल बनाया है, और अभी फ्रेंड्स ये -2.76% से डाउन में चल रहा है ये शेयर जो है अभी। तो फ्रेंड्स इसने बेयरिश कैंडल बनाया है, इसके पहले क्या कैंडल जो इसने डोजी बनाया था, और फ्रेंड्स ये बेयरिश कैंडल बनाते हुए अपने जो है सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। जो करीब करीब फ्रेंड्स इसने अगर अपना सपोर्ट को अचीव करने की सोच रहा है तो फ्रेंड्स हो सकता है ये एक दो कैंडल और बनाए, जो भी बेयरिश का बनाएगा तो एक दो कैंडल और बनाएगा फ्रेंड्स अगर ये ऐसा आता है तो इसका जो फर्स्ट सपोर्ट होगा 1481 का हो जाएगा, और अगर फ्रेंड्स बाई चांस अगर इसको ब्रेक डाउन करके आगे बढ़ता है तो इसका सेकंड सपोर्ट जो है 1453 का रहेगा, और इसका थर्ड सपोर्ट जो है 1415 का रहेगा। तो आप इसका आगे भी देख सकते हैं फ्रेंड्स सपोर्ट जो है, अगर यहाँ से अगर ये बाई चांस ट्रेंड रिवर्सल करते हुए अप ट्रेंड बनाता है तो ये जो है इसका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा 1549 का, और इसका जो सेकंड टारगेट रहेगा वो 1565 का, और जो थर्ड टारगेट इसका है वो ये 1613 का रहेगा। गाइस अगर बात करें इसके मूविंग एवरेज की तो देखिए मैंने ये जो ब्लू वाला लाइन है 20 डे का मूविंग एवरेज है, ये जो येलो कलर का लाइन है ये 50 डे का मूविंग एवरेज है, और ये जो रेड कलर का लाइन है ये 100 डे का मूविंग एवरेज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने तीनों ही मूविंग एवरेज को इसने टच किया था फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं 20 के मूविंग एवरेज को ये अभी टच किया हुआ है फ्रेंड्स, और ये जो 50 के मूविंग एवरेज और जो 100 का मूविंग एवरेज है इसको भी इसने टच किया था, लेकिन वापस एक क्लोजिंग दिया है ये दोनों मूविंग एवरेज 50 और 100 के ऊपर में। तो फ्रेंड्स अगर बाई चांस अगर अभी इसी तरह अगर आगे बढ़ता है बेयरिश कैंडल बनाता है तो अपना 50 के और 100 के मूविंग एवरेज को भी सपोर्ट बना सकता है। जो अभी 50 के मूविंग एवरेज चल रहा है वो 1494 पे चल रहा है, और ये जो 100 का मूविंग एवरेज है वो जो 1486 पे चल रहा है। गाइज ये जो है 20 के मूविंग एवरेज को टच करते हुए और सर इसको ब्रेक डाउन करते हुए आगे बढ़ाया तो ये 50 के मूविंग एवरेज पर आ सकता है। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने RSI लगा रखा है, और RSI का मैंने इंडिकेटर भी लगा रखा है, और ये देखिए फ्रेंड्स RSI जो है अभी हमें सेल का सिग्नल दे रहा है। इसने हमें लास्ट टाइम सेल का सिग्नल यहाँ पे दिया था RSI ने, और अभी तक ये जो है हमें सेल का ही सिग्नल दे रहा है। और RSI को ऐसे देखकर कहा जा सकता है कि फ्रेंड्स अगर हम कह सकते हैं अभी, अगर आपको आप भी देख सकते हैं तो कह सकते हैं कि RSI जो है थोड़ा बहुत और नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे अगर RSI थोड़ा बहुत और नीचे जाता है तो यहाँ पे कैंडल जो है एक दो कैंडल जो है और भी बेयरिश बना सकता है, बट जो RSI है हमें सिग्नल अभी जो है सेल का ही दे रहा है, इसने बाई करने का सिग्नल नहीं दिया है तो अभी बाई नहीं करना है, सेल का सिग्नल दिया है तो अगर सेल करना चाहते हैं तो सेल कर सकते हैं। गाइस अगर बात करें MACD की, देखिए मैंने MACD लगा रखा है, MACD का ग्राफ लगा हुआ है गाइस, आप देख सकते हैं जो MACD है हमें सेल करने का सिग्नल दे रहा है। इसने फ्रेंड्स अभी अभी हमें सेल करने का सिग्नल दिया है, और अभी तक जो है क्लियरली अभी इसने सेल करने का सिग्नल दे दिया। अगर आप बाई करना चाहते हैं तो अभी बाई ना करें, अगर MACD से आप कन्फर्म है तो अभी आप बाई ना करें। तो वैसे MACD के अनुसार माने तो अभी ये ट्रेंड जो है अभी डाउन ट्रेंड ये शुरू किया है। MACD जो सिग्नल दिया है वो भी डाउन ट्रेंड का सिग्नल दिया है, और ये जो
आप कैंडल स्टिक को भी देख कर कह सकते हैं कि जो सिग्नल है, ये जो कैंडल स्टिक जो है अभी डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है, तो ये शेयर जो है अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, अभी डाउन ट्रेंड बना रहा है। गाइस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स लगातार जो वीडियोज आ रहे हैं वो आपको मिलते रहेंगे। सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।